गाइस अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस अगर हम लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो हमारे आमने सामने कितना प्रसिद्ध मंदिर है उसमें से एक मंदिर आता है नागावा मंदिर जो कि चाकुलिया में स्थित है। अभी जाएंगे वहां पर, तो गाइस ब्लॉग पे बने। तो गाइस हम लोग अभी पहुंच चुके हैं नागा बाबा मंदिर के द्वार, देख सकते हैं पीछे है नागा बाबा मंदिर का द्वार। तो अभी जाएंगे अंदर और कुछ दिखाएंगे। तो दोस्तों नागा बाबा मंदिर के प्रवेश करने के बाद कुछ इस तरह का नजारा दिखता है, हरा भरा, और उधर साड़ का पेड़, और ये है कृष्ण हरि मंदिर जो कि अभी काम चल रहा है रिपेयरिंग का। मंदिर में कुछ इस तरह का हरा भरा पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। दोस्तों ये है, मतलब कहा जाता है कि ये बाबा का समाधि स्थल है। साक्षात भोलेनाथ हैं पधारे, मेरे रग रग में भूले मुझको भूले पुकारे, हम तो भोले के दुलारे दिन भर। तो दोस्तों वो जो पीछे दिख रहा है वो है नागावा का मंदिर। अभी मंदिर में प्रवेश करेंगे हम लोग। मेरुआना यू सी दसा द छोरा हो रहा भोरे का दीवाना, तेरी लीला अपरंपार प्रभु मेरा कर दे बेड़ा पार, प्रभु मुझे मोक्ष दिला दे मुक्ति दे कर सबका उद्धार, प्रभु तू मेरा है बोले मैं। तो ये हम लोग नागावा मंदिर, तू नचा ले दिल मेरा मुझे बुला ले तू, डमरू बाजे डम डम डम, हाथ उठाकर बम बम बम, भांग न तूरा पी जाऊं पूरा भोले के नाम मेरे साथो जन्म। सावन का महीना पावन थाम ले तू मेरा दामन, बोली तेरा भक्त जैसे कलयुग का रावण। दोस्तों ये है हनुमान मंदिर के अंदर भी हम लोग प्रवेश करेंगे। ये है श्री हनुमान जी का मूर्ति। तो गाइस इस मंदिर में ना, मतलब शिव जी का भी मूर्ति है, श्री कृष्ण का भी मूर्ति है, और पीछे दिख रहा हमारे मतलब श्री राम का भी मंदिर है, और श्री हनुमान जी का भी मंदिर है, मतलब चार पांच भगवान का मंदिर है हम लोग का। श्री राम मंदिर देखिए, राम जी का मूर्ति। तो गाइस अगर आप चाकुलिया कभी आते हैं तो चाकुलिया के इस नागा बाबा मंदिर जरूर आइएगा घूमने के लिए। मतलब पाँच छः भगवान का मंदिर है यहाँ पर। इस मंदिर में सारी सुख सुविधाएं मौजूद है, पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन। कल चल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबी तंबुजंग तुंग मालिकम दमट मट मट मन्निना दमट मर वयम चकार चंड तांडवम तनुतना शिव शिवम। दोस्तों हम लोग आए हैं तो मतलब इस मंदिर में अभी कोई पुजारी नहीं है, मतलब शायद कुछ काम के शायद बाहर गया होगा, लेकिन हम लोग तब आए हैं तो पुजारी नहीं है। देखते हैं 10-15 मिनट वेट करते हैं, अगर पुजारी आते हैं तो पुजारी से कुछ बात करेंगे हम लोग। नागावा मंदिर बहुत ही पेड़ पौधों से भरा हुआ मंदिर है, हरा भरा खिला हुआ है मंदिर। आइए कभी घूमने नागावा मंदिर, बहुत ही अच्छा लगेगा, दिल को बहुत ही सुकून मिलेगा। जो कि मतलब अगर कोई साधु संग आता है तो उसे यह गृह दिया जाता है रहने के लिए, पाँच छः दिन रहता है, फिर उन लोग चला जाता है। उन लोग के लिए ये घर आश्रम बनाया हुआ है नागा बाबा मंदिर के सामने ही, पीछे जस्ट पीछे नागा बाबा मंदिर के जस्ट ऑपोजिट साइड इस तरह से हरा भरा पेड़ लगाया हुआ है जो कि काफ़ी ऊँचा भी है और घना भी है,
गर्मी के दिन में यहाँ पर बहुत ही राहत मिलती है। तो गाइस जब हम लोग ब्लॉगिंग कर ही रहे तो हमारे आमने सामने ही इतना प्रसिद्ध अच्छा मंदिर है, तो मंदिर को दिखाएंगे आप लोग को। और भी बहुत सारा मंदिर है जो कि हम आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइस फिलहाल मैं इस ब्लॉग को इन करता हूँ, मिलते हैं और एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो गाइस अगर आप चाकुलिया से हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिए। तो गाइस मिलते हैं और एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन क्लिक करके रखिए ताकि आप जब भी वीडियो पोस्ट करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तब तक के लिए बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा गाइस। बाय बाय।